For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you'll get all the content easily, topic-wise. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग डेट मार्केट अभी कर रहे हैं और डेट मार्केट में कुछ मिसलिनियस चीजें जो हैं वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के बारे में हमें समझना चाहिए। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, आखिरकार फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो है वो क्या होता क्या है? तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो है ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, समझे? इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हिच प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है? फॉर फिक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इनकम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जो है ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मतलब इन्वेस्टमेंट का एक मैकेनिज्म है, जिसमें पैसा लगाने का एक मैकेनिज्म है, विच प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है? फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स। कितना अच्छा चीज है ना, इसे हरे से मैं लिखूंगा, फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। आप एक इन्वेस्टर हो, सपोज करो आपको एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न का कुछ इंस्ट्रूमेंट व्हीकल मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म मिल जाता है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको फिक्स्ड इनकम देता रह रहा है वो, तो कितना अच्छा बात है ना ये। आइए हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स का एग्जांपल्स क्या क्या है। तो एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के क्या क्या एग्जांपल है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बैंक का जो एफडी वगैरह होता है वो भी तो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट ही है, क्योंकि एफडी में हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहता है हमेशा। सेकंड नंबर कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है, मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है आपने, और वो भी एक फिक्स्ड मतलब टर्म डिपॉजिट है, मतलब कि किसी फिक्स्ड समय के लिए आप उसमें डिपॉजिट कर दें कुछ रुपीस, कुछ अमाउंट, कुछ मनी, और वो आपको इंटरेस्ट चुकाता रहेगा एक फिक्स्ड वे में, मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, आपको हो सकता है एनुअली हो, क्वार्टरली हो, कुछ भी हो सकता है, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये भी एक तरह का फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। थर्ड नंबर देखा जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट के अंदर आता है। फिर आपका किसान विकास पत्र जो है ये भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ही है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे हम NSCs भी बोलते हैं जनरली, मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो यही था आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। अब हम लोग एक मिसलिनियस कुछ था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, सोच रहा था कि हाँ, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। तो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स आखिरकार क्या होते हैं, आइए उसे भी हम लोग समझ ही लेते हैं। इन टॉपिक्स को भी मैं बाकी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सारा का सारा कवरेज मिले, मेरा मकसद यही है। तो इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, कुछ कुछ तो आइडिया हो ही चुका होगा आपको, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ अपने वीडियोस में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पहले कभी इस चैप्टर में नहीं, लेकिन कुछ और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको इन्फ्लेशन से किस तरह से कोई सिक्योरिटी लिंक्ड होता है
ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया, अगर आप मुझे प्रॉपरली हमेशा फॉलो करते हैं तो ये तो आइडिया होगा ही कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उससे कैसे लिंक हो जाता है कोई भी बॉन्ड वगैरह, इनसिक्योरिटी वगैरह। तो इन्फ्लेशन, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई दर को कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब सपोज करो जो इंसान, जो महंगाई 1997 में होगा या फिर 1972 में होगा, वो महंगाई क्या, वो महंगाई का दर क्या अभी भी है 2019 में? नहीं है ना, अभी महंगाई ज्यादा है। हमारे रुपए के जो वैल्यू हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं पहले के मुताबिक, मतलब परचेजिंग कैपेसिटी जो है मनी का वो घट चुका है रुपीस का। क्योंकि आपने अगर अपने दादाजी से कभी बात किया हो या अपने एंसेस्टर्स से, मतलब दादाजी हो गए या पापा, पापा से भी आप पूछ सकते हो, आपके पापा भी बता देंगे, लेकिन दादाजी लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों को 50 रुपए, 40 रुपए, 10 रुपए तक का सैलरी मिला करता था, जो कि आप 50 रुपए, 60 रुपए आप गोलगप्पे खाने में उड़ा देते हो, फूक डालते हो 50 रुपए। बच्चे लोग पटाखे खरीदते हैं 200, 300, 1000 रुपए फूक डालते हैं, और पहले के जमाने में उसकी कीमत हुआ करती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन जो है वो एक महंगाई दर को कहते हैं, जो कि उस पर हमारे रुपीज का परचेजिंग कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है, अब उससे कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी वगैरह लिंक कैसे हो जाता है, ये हम लोग समझना है इसको। तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ बॉन्ड इज कंसिडर्ड कंसिडर्ड इंडेक्स्ड फॉर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इफ द पेमेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट, होप कि आपको दिखाई दे रहा हूं, हाँ श्योर, इन्वेस्टमेंट इज इंडेक्स्ड बाय reference to the change in the value of a general price indexed over the terms of the instrument। ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वो हैं जो कि इंडेक्स किए जाते हैं बाय रेफरेंस टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जनरल प्राइस। जनरल प्राइस का जो चेंज है उसके वैल्यू को रेफरेंस मान के उसको इंडेक्स किया जाता है। जैसे मैं कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, एक रेफरेंस बता देता हूँ, जिससे कि आप तुरंत पकड़ लोगे कि आखिरकार इंडेक्स्ड इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है। अगर आपने कभी ये पढ़ा हो, क्या उसे कहते हैं, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। वहां भी इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता था, हमें एक मतलब एक वैल्यू दे दिया जाता है हर साल का, एक इन्फ्लेशन रेट होता है, वो वैल्यू से हम लोग उसको इंडेक्स करते हैं। तो वही कैलकुलेशन को भी यहाँ पे भी किया जाता है इन बॉन्ड्स के साथ, तो इसीलिए इन्हें इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स कहा जाता है। तो होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो मैं आपको यही दो डेफिनेशन आज बताना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये दोनों छूट रहा है और ये दोनों मैं आपको बता दूं। आगे मैं कंटिन्यू रहूंगा, ये चैप्टर अभी तुरंत खत्म नहीं होगा और मुझे लगता है 3-4 और पार्ट आएंगे इसके। बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी हैप्पी, बी कूल एंड एंजॉय।